बहुत दिलचस्प है इस बार रायसीना की रेस और रामनाथ कोविंद और मीरा कुमार के बीच सीधा मुकाबला, लेकिन संख्या बल ज्यादा रामनाथ कोविंद के पास है। लेकिन इसी बीच जो अच्छी खबर एनडीए के लिए हो सकती है वो है क्रॉस वोटिंग, क्योंकि क्रॉस वोटिंग की खबर अलग अलग जगह से आ रही है और खबर इस वक्त त्रिपुरा से मिल रही है जहां पर टीएमसी में बड़ी फूट की खबर है। ये कहा जा रहा है कि त्रिपुरा के 6 टीएमसी विधायकों ने एनडीए उम्मीदवार रामनाथ कोविंद को समर्थन देने का ऐलान किया है, जबकि पार्टी सुप्रीमो ममता बनर्जी ने यूपी उम्मीदवार मीरा कुमार को समर्थन देने का ऐलान किया था। जब हम लोग ने देखा कि दिल्ली में बैठ के ये लोग सीपीएम के साथ एकजुट होके मीरा कुमार को समर्थन देने के लिए तैयार हो गया और आगे भी ये लोग सीपीएम को लेके एक साथ चलने की इरादा किया, तब हम लोग तय किया है यहाँ पर त्रिपुरा में बैठ के कि हम सीपीएम को जो समर्थन देगा, सीपीएम के साथ जो एक साथ चलेगा और सीपीआईएम जिस कैंडिडेट को प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में सपोर्ट करेगा इनके साथ हम लोग नहीं जाएंगे। इसलिए हम लोग बीजेपी और एनडीए का जो कैंडिडेट है जो सीपीएम के खिलाफ लड़ना चाहते हैं इनके हम लोग सपोर्ट करेंगे। आज हम लोग 6 MLA एक साथ यही रामनाथ कोविंद जी को वोट डालेंगे। तो यहाँ पर 6 टीएमसी के विधायकों ने ममता बनर्जी को झटका दिया है, लेकिन खबरें सिर्फ त्रिपुरा से ही नहीं बल्कि समाजवादी पार्टी की तरफ से क्रॉस वोटिंग की उत्तर प्रदेश से भी आ रही है और पंजाब से भी आम आदमी पार्टी की तरफ से क्रॉस वोटिंग की खबरें हैं। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम यहाँ रुक रहे हैं, लेकिन आज तक पर रायसीना की रेस पर यह खास कवरेज लगातार जारी है।